नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को लेकर दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आई है और साथ ही साथ दोस्तों अभी इस स्टॉक की जो रॉकेट वाली जो रफ्तार है अब दोस्तों कल से आप लोग को ज़्यादा देखने को नज़र आएगी। किस लेवल टारगेट इस स्टॉक के रहने वाले हैं वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ और साथ ही साथ दोस्तों इस स्टॉक पर आने वाले टाइम में कितना रिटर्न नज़र आएगा। तो प्राइस के रूप में अगर हम सीधे चर्चा करें दोस्तों, लास्ट क्लोजिंग 354 रुपये 15 पैसे पे क्लोजिंग नज़र आई थी। अब 354 रुपये 15 पैसे की जो क्लोजिंग थी वो एक काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग थी, जिसमें लगभग 5 रुपये का जंप नज़र आया था। पर कहीं ना कहीं दोस्तों जो है अपडेट निकल गया कि BSE इंडेक्स फेरबदल जून 2024 मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंड इंडेक्स में दोस्तों कंपनी की लेगी जगह। तो कंपनी को दोस्तों BSE इंडेक्स में ऑलरेडी शामिल किया जा रहा है, तो कौन कौन से इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है इस चीज़ पर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे दोस्तों जो तेजी है वो यहाँ पे नजर आने वाली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दोस्तों सूचीबद्ध इकाई इनोफी इंडिया लिमिटेड अपने उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय की विभाजन के माध्यम से व्यवसाय पुनर्गठन से गुजर रही है। तो विभाजन दोस्तों 13 जून 2024 से प्रभावी होगा, जिसके परिणाम स्वरूप नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन होने वाला है। पर दोस्तों कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्याय प्राधिकरण मुंबई पीठ द्वारा अनुमोदित व्यवस्था योजना 7 मई 2024 से प्रभावी हो चुकी थी। पर अभी दोस्तों जो है कौन कौन से इंडेक्स में शामिल किया जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ को, तो BSE सूचकांक में फेरबदल होगा और बदल में यहाँ पर सनोफी इंडिया कंज्यूमर हेल्थ डिविजनेस के इस विभाजन के माध्यम से दोस्तों कंपनी को कौन कौन से यहाँ पे जो तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी की जो फाइनेंस सूचकांक की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी जारी कर दी गई है। तो BSE 500 पे दोस्तों शामिल किया जा रहा है कंपनी को, जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को यहाँ पे शामिल किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद अगला जो निकल के आता है BSE 150 मिड कैप इंडेक्स में, तो उसको भी दोस्तों जियो फाइनेंशियल को यहाँ पे जो ऑलरेडी कंपनी को ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया गया है ऑलरेडी शामिल किया जा रहा है। उसके बाद BSE 250 लार्ज मिड कैप इंडेक्स में जो शामिल किया जा रहा है उसमें भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज होने वाली है। और BSE 250 स्मॉल इंडेक्स में दोस्तों नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल को शामिल किया गया है। तो BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स में दोस्तों जियो फाइनेंशियल को अभी तक जो है जगह नहीं मिली है, उसकी जगह दोस्तों नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल को जगह दी गई है। साथ ही साथ BSE 400 मिड स्मॉल कैप इंडेक्स में जो शामिल किया गया है तो वो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को। तो अब दोस्तों इस चीज़ का जो असर है वो आप लोग को कल मंडे सेशन पर रहने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम इस स्टॉक पर जो है कहीं ना कहीं एक बढ़िया जंप भी नज़र आएगी, तो कहीं ना कहीं बढ़िया प्रॉफिट भी नजर आने वाला है। पर दोस्तों इस स्टॉक के जो अगले टारगेट्स हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपैरिजन पे जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों जो है अनबैलेंसिंग जो प्राइस है वो देखने को नजर आ रही थी, पर दोस्तों वो चीज़ अभी के टाइम वापस रिकवर होती हुई नजर आई है, वापस जो है प्राइस बैलेंस हो रही है, एवरेज प्राइस नजर आई थी। पर अभी इस स्टॉक के टारगेट्स पर अगर हम चर्चा करें तो आने वाले दोस्तों 2 से 3 महीने के अंदर इस स्टॉक की प्राइस दोस्तों 420 से लेकर 500 के बीच में आप लोग को देखने को मिलने वाली है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है और फिलहाल होल्डिंग क्रिएट करने की आवश्यकता रहने वाली है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट। और दोस्तों साथ ही साथ कंपनी की मार्केट कैप पर अगर हम बात करें तो दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप 2,24,366 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप रहने वाला है। मार्केट में दोस्तों कंपनी के ऊपर डेप्थ अभी के टाइम 1 रुपये का भी देखने को मिल नहीं रहा है, पॉजिटिव अपडेट रहेगी। क्योंकि दोस्तों एक अच्छी स्टॉक की पहचान के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उन चीज़ों पर अगर हम नज़र डालें तो कंपनी के अंदर दोस्तों एक अच्छी सेल्स की ग्रोथ काफ़ी कंपलसरी मानी जाती है। कंपनी की सेल्स की ग्रोथ 4,034% की रहने वाली है, जो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नज़र आएगी। प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी अहम होती है, जो 6,282% की रहने वाली है, काफ़ी पॉजिटिव डेटा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी में अगला जो महत्वपूर्ण स्टेप माना जाता है तो दोस्तों वो माना जाता है कंपनी के ऊपर रिटर्न ऑफ इक्विटी, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट में ROE, तो वो अभी के टाइम काफ़ी हाई होना कंपलसरी है, जो अभी नॉर्मल नज़र आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी पहले से 84% का नज़र आ रहा है, पॉजिटिव डेटा रहेगा। उसके साथ साथ कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 50% के आसपास होना चाहिए, तो वो चीज़ भी अभी के टाइम देखने को मिल रही है 47% पर। और कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई होनी चाहिए, तो वो चीज़ तो बड़ी देखने को मिल चुकी है। कंपनी का EPS रेट, तो कंपनी का EPS रेट दोस्तों पॉजिटिव होना कंपलसरी है, तो वो चीज़ भी अभी के टाइम 2.53 रुपये का नज़र आ रहा है, तो वो चीज़ भी अभी के टाइम कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी कंपनी के अंदर एक से अधिक अनेक देखने को मिल रही है। कंपनी की सेल्स पर अगर हम चर्चा करें दोस्तों, कंपनी की सेल में काफ़ी बड़ा इजाफा नज़र आ रहा है, कंपनी की सेल्स लगातार तेज़ी से
बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो अभी के टाइम कंपनी के अंदर दोस्तों हमें पेशेंस बना लेने से आने वाले टाइम में कंपनी दोस्तों जो है अपना फाइनेंशियल जो ऐप जियो फाइनेंशियल ऐप है वो भी ऑलरेडी जो है पिछले टाइम जारी कर चुकी है। तो अभी आने वाले टाइम में कंपनी डिविडेंड बोनस पर अगर चर्चा करती है तो सोने पर सुहागा होने वाली बात बन सकती है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पैनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।